वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम आपके सामने लेकर के आए हैं लेसन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, और आशा करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से ये समझ में आएगा। और मैं इसके लेसन के बारे में आपको पिछली वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता भी चुका हूँ कि जो लेसन हमारा दिया इसमें जो 3 days टू सी, जो 3 दिन उसके होते हैं वो देखने के हैं, वो 3 दिन में वो किन किन को देखना पसंद करेगी, जो उसने यहाँ पर लिखा है ना, जो लेसन आपको बताया था मैंने कल भी कि जो 3 days टू सी है वो 3 दिन वो चाहते हैं कि यदि मेरे आँखें यदि आ जाएँ तो मैं 3 दिन में मैं सबसे पहले किस किस को देखना पसंद करूंगी, तो उसमें बताया था इन चीज़ों के लिए। तो चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता हूँ कि कल मैंने आप लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया था, तो यहाँ से आगे फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं कि वो कह रहे हैं कि आई शुड डिवाइड द पीरियड इंटू 3 parts ऑन द फर्स्ट डे। आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे और चलते हैं कि आई शुड डिवाइड द पीरियड, कि मुझे डिवाइड कौन होता है, बांटना। डिवाइड क्या कहते हैं, ये डिवाइड जो होता है यहाँ पर, इस डिवाइड कौन होता है, बांटना, कि मैंने इसको बांट दिया है पीरियड को, इन पीरियड कौन होता है, भागों में, इंटू 3 parts, कि इनको 3 पार्टों में मैंने इसको बांट दिया है। तो वो इस प्रकार वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने इसको 3 पार्टों में से बांट दिया है। वो कहा कि 1 ऑन द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन जब उसने इसको क्या किया, उसने 3 भागों में जब उसको बांट दिया, 3 भागों में बांटने के बाद वो कह रही कि जब फर्स्ट डे होगा पहले दिन मैं क्या करूँगी, कि आई, उसने कहा कि मैं पहले देखना चाहूँगी, तो आई शुड वॉन्ट टू सी द पीपल, कि मैं उन लोगों को मैं देखना चाहूँगी जो हुज काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब जो दयालुता है, जो दयालुता, दयालु हृदय के हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी, एंड कंपेनियनशिप, और उनकी जो सहचर्य में जो उनका जीवन है, उन जो जी रहे हैं, तो उन लोगों के जो कंपेनियनशिप है, जो उनकी जो साथी है, मैं उनको देखना चाहूँगी। हाउ मेक माई लाइफ, कि जिन्होंने मेरे जीवन को जीने योग्य बनाया, जो उन लोगों को मैं सबसे पहले देखना चाहूँगी। और वर्थ लिविंग, जो आगे का उसने आई डू नॉट, देखिए आई डू नॉट के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, तो उसने कहा नो का मतलब होता है जानना, कि व्हाट इट इज टू सी इन टू द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड थ्रू दैट विंडो ऑफ द साउल ऑफ द साउल द आई। आई कैन नो, आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस। आई कैन डिटेक्ट द लाफ्टर, सोरो एंड मैनी अदर ऑब्वियस इमोशंस। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेस। देखिए उसने बताया, तो वो कहते हैं कि मैं, वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जानना चाहूँगा, मैं जानना नहीं चाहता, देखिए मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा उसने आई डू नॉट नो, कि मैं नहीं चाहता, कि नो का मतलब जानना, कि मैं जानना नहीं चाहती, कि व्हाट इट इज टू सी, कि ये सब क्या है, व्हाट का मतलब क्या, इट इज टू सी, वो क्या देखना चाहती है। तो कहना चाह रहे हैं कि इन टू द हार्ट्स ऑफ द फ्रेंड्स, एक मित्र के लिए, थ्रू द विंडो ऑफ द साउल द आईज, वो कहना चाह रहे हैं कि यह आत्मा की आंख के माध्यम से एक दोस्त के लिए दिल से तो क्या देखना है। तो कहना चाह रहे हैं कि एक दोस्त है मेरा, तो उसको दिल से देखना कि क्या देखना है, तो इस चीज़ को वो बता रही है। उसने क्या है कि आई कैन ओनली द सी, केवल मैं देख सकती हूँ, तो केवल थ्रो माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ द फेस, देखिए मेरी आंखें नहीं है तो फिर भी मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन ओनली द सी, केवल मैं देख सकती हूँ, तो किसको, केवल उनका, माई फिंगर टिप्स मतलब अपनी उंगलियों के माध्यम से उसके चेहरे की रूपरेखा को मैं केवल देख सकती हूँ, कि उसकी जो रूपरेखा है वो किस तरह का, उसका चेहरा है कैसा है, केवल मैं उसको वैसे नहीं देख सकती। उसने कहा आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर द सोरो एंड मैनी अदर्स ऑब्वियस इमोशंस। आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेस। तो उसने फिर कहा कि मैं हंसी और मुझे दुख भी हुआ कि अनेकों जितने भी हमारे ऑब्वियस इमोशंस हैं, मतलब जो भी हमारे भावनाएं थी इस प्रकार की, तो उस प्रकार वो कहना चाह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख भी हो रहा था अलग तरह से, और अन्य जो थे स्पष्ट जो हमारी भावनाएं थी, तो उससे पता लग रहा था कि आई नो, मैं जानना चाहती थी कि माई फ्रेंड्स की, जो मेरा मित्र है, फ्रॉम दी ऑफ देयर फेस, कि उसका चेहरा कैसा होता है, कि वो देखना चाहती थी, कि आई नो, मैं जानना चाहती हूँ फ्रॉम द देयर फेस, उसके चेहरे को मैं देखना चाहती थी, उसका चेहरा कैसा है, भले ही चाहे मेरी आंखें नहीं है पर फिर भी मैं उसके चेहरे को देखना चाहती थी। तो देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन उसने कहा
Next day, I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. I should behold with awe the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth. So this day I should devote to a hasty glimpse of the world, past and present. I should want to see the pageant of the man's progress, and so I should go to the museums. There my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the race of man pictured in their native environment, the gigantic the carcasses of dinosaurs and mastodons that roamed the earth before the man appeared with his tiny statue and powerful brain to conquer the animal kingdom. देखिए उसने बताया next day, जब अगले दिन क्या होता है अगले दिन, तो उसने कहा कि I should arise with the dawn. तो उसने कहा कि मुझे उठना चाहिए था, arise with the dawn and the sea. मतलब मुझे उठना चाहिए था उस किसके लिए, तो भोर के साथ में, मतलब जो सुबह का मौसम होता है वो उसकी वो बात बता रहे हैं कि मुझे भोर के समय में मुझे उठना चाहिए था एंड द सी और देखना चाहिए था थ्रिलिंग द मिरेकल, यानी कैसे रोमांचकारी या चमत्कार को देखना मुझे चाहिए था कि जिसके उसने कहा बाय विच जिसके द्वारा क्या था जो नाइट जो रात्रि थी ट्रांसफॉर्म की गई थी, मतलब जिसमें तब्दील हो गई थी, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता तब्दील होना कि जिसमें मतलब उस जादू से उस ऐसे चमत्कार को मुझे देखना चाहिए था कि जिस चमत्कार से जो नाइट थी वो दिन में परिवर्तित हो गई थी, उसका रूपांतरण चेंज हो गया था, यानी कि उस बात करते हैं हम, वो तब्दील हो गया था दिन में, रात दिन में तब्दील हो गया था, तो मुझे ऐसे उसमें देखना चाहिए था. तो उसकी वो बात क्या है, तो आई शुड बिहोल्ड विद अवे एंड मैग्निफिसेंट पैनोरमा. तो उसने फिर कहा कि मुझे खौफ है कि मुझे इस प्रकार का जो खौफ के साथ में रोशनी के विशाल जो आईना के साथ ऑफ निहारना चाहिए था, कि मुझे ऐसी रोशनी को मुझे देखना चाहिए था किस प्रकार की रोशनी वो हो रही है, वो भी कैसी थी, मैग्निफिसेंट थी. मैग्निफिसेंट यहाँ पर आईना की वो बात कर रहे हैं, जो के साथ में मुझे उसको निहारना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था ऑफ द लाइट, उस प्रकाश को विद विच द सन अवेकन, जिस प्रकार सन अवेकन होता था जगह देता है. तो आपने देखा वो जो सोते हुए होते, जो पृथ्वी पर जो सो रहे होते हैं, जब सूर्य निकल आता है तो उन सब लोगों को वो जगा देता है. तो दिस डे इज इन, तो आई शुड डिवोटी टू अ हिस्ट्री, कि मुझे उस समय जल्दी करना चाहिए था, इस दिन मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे बहुत ही जल्दी, जैसे कहते हैं इस दुनिया की ओर जो अतीत की इस बात की ओर मुझे बड़े जल्दी करना चाहिए था उसमें, तो ग्लिम्स वर्तमान की जल्दबाजी के लिए मुझे समर्पित होना चाहिए था. मुझे उन्होंने कहा कि मुझे ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए थी और मुझे उस संसार के प्रति समर्पित होना चाहिए था जो कि होना चाहिए था पास्ट में एंड प्रेजेंट, जो कि पास्ट में हो चुका था, मुझे प्रेजेंट में था. तो उसने कहा आई शुड वांट टू सी, कि मैं देखना चाहता हूँ, तो देखना चाहती हूँ कि द पिगेंट, उसने कहा फिर दोबारा से आई शुड वांट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ उस पिगेंट को, द मैंस प्रोग्रेस, मैं उस व्यक्ति की प्रगति को देखना चाहती हूँ, जिस प्रकार व्यक्ति की प्रगति होती है, मैं उस मैन की जो प्रोग्रेस को उसको देखना चाहती हूँ. एंड सो आई शुड गो टू द म्यूजियम, और मैं उस म्यूजियम में भी जाना चाहती हूँ. तो उसने कहा देखिए, उसने कहा कि मुझे उस म्यूजियम में भी जाना है, कि जहाँ पर वो म्यूजियम है, जहाँ पर मैं मतलब ये म्यूजियम है, उस म्यूजियम में मुझे जाना चाहिए, कि देयर माई आईज, जहाँ पर मेरी आँखें वुड सी, वो उन्हें देखेंगी द कंडेंस हिस्ट्री, उस पूरी की पूरी जो उसका इतिहास है, उस सारी चीज़ों को वो बता देगी मुझे, उन सब चीज़ों को इतिहास के बारे में उसके जानना चाहिए, मैं उसी वातावरण में उस चित्र पुष्पों को भी देखना चाहूँगी. तो उस प्रकार वो कहना चाह रही है. तो उसने कहा हिस्ट्री द आर्ट एनिमल्स, उन जानवरों को भी, एंड द रेस द मैन द पिक्चर, मैं उन व्यक्तियों के पिक्चरों को भी, उन सब को मैं देखना चाहूँगी इन देयर नेटिव,
जो उसने राष्ट्र के होंगे, तो उन सबको मैं देखना चाहूंगी, जो पुष्पों के चित्र हैं, जो एनिमल्स हैं, जो उस पृथ्वी पर जो हिस्ट्री है, जो कंसिडर्स हैं, उन सबको मैं देखना चाहूंगी। और उसने कहा इन्वायरमेंट, उसके वातावरण को भी देखना चाहूंगी। और गिग्नेटिक द कारकेसिस, तो उसने कहा जो कारकेसिस ऑफ द डायनासोर में, ऐसे भी प्रकार के जो डायनासोर हैं, और उसने कहा कि जिस प्रकार के डायनासोर हैं और मास्टर्स के विशाल सब जो सब हैं, उनको भी मैं देखना चाहूँगी, जो मनुष्य के मनुष्य से पहले ही उसमें पृथ्वी पर घूमते थे। मतलब मैं उन सब चीज़ों को मैं देखना चाहूँगी, वो उस प्रकार वो बता रहे हैं उस नेटिव में। तो फिर उसने कहा सीज इंटू आगे कहा तो उस पृथ्वी पर बिफोर मतलब पहले द मैन अपियर्ड, कि जिस प्रकार जो मनुष्य जो होते थे वो पहले घूमा करते थे, मैं उन सबको देखना चाहूँगी वो किस प्रकार वो घूमा करते थे। विद हिज द टिनी, और जो छोटे छोटे होते थे, विद यहाँ बात कर रहे हैं विद हिज द टिनी स्टैचू, जो छोटे छोटे जो स्टैचू होते थे एंड पावरफुल द ब्रेन, जिनमें बड़ा ही शक्तिशाली ब्रेन होता था, टू कंक्वर मतलब जीतने का द एनिमल्स किंगडम, जो जानवरों को जो कंक्वर होता था जीतना द एनिमल किंगडम, जो जानवरों के जो किंगडम होता था, किंगडम होता था राज्य, उस राज्य को जीतना चाहते थे, कंक्वर का होता था जीतना। तो उसने कहा जो छोटे कद और शक्तिशाली मस्तिष्क के साथ जो पशु साम्राज्य को वो क्या करते थे, उन्हें जीतना चाहते थे। तो उसने कहा द फॉलोइंग द मॉर्निंग, तो क्या होता है अगली सुबह देखिएगा, द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह में क्या होता है, तो आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन एंड एक्सेस टू द डिस्कवर द न्यू डिलाइट द न्यू द रिलेशंस ऑफ ब्यूटी टुडे दिस थर्ड डे आई शैल स्पेंड इन द देखिए वर्क डे वर्ल्ड एमिड द हॉन्ट ऑफ मैन गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ लाइफ द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन। देखिए फिर कहा उसने द फॉलोइंग मॉर्निंग, जो अगली सुबह तो वो क्या देखना चाहती थी, कि आई शुड अगेन, कि मुझे देखना है, आई शुड अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, मुझे उन ग्रीट द डॉन एंड एनेक्सिस, कि जो एनेक्सिस का मतलब जो उदास हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे फिर से सुबह की बधाई देनी चाहिए, कि नई प्रशंसा जो सुंदरता के साथ, सुंदरता के नए नए जो रहस्यों को और चिंता करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, वो कहना चाहिए कि मुझे फिर से सुबह की नई बधाई देनी चाहिए, और मुझे नई जो प्रशंसा सुंदरता के नए नए जो रहस्यों को जो चिंता करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। उसने कहा उस ब्यूटी को जो रिलेशन है न्यू उस प्रकार के उन सब के लिए बड़े डिलाइट होता था, खुशी होना। तो उसने कहा द थर्ड डे, अब तीसरे दिन वो क्या कहना चाहते हैं कि आई शैल स्पेंड, मैं खर्च कर दूंगी इन द वर्ल्ड डे, वो पूरा जो कार्य करने का दिन होगा पूरा वर्ल्ड, उस पूरे संसार का, द एमिड एमिड द हार्ट ऑफ मैन द गोइंग अबाउट द बिजनेस ऑफ द लाइफ। फिर उसने कहा कि मैं इसके बारे में जानने वाले पुरुषों के शिकार के बीच काम की दुनिया में खर्च करूंगी, मतलब जो इस प्रकार की ऐसी चीज़ें होंगी, जो पुरुषों के बारे में जानने वाले पुरुषों को शिकार के बीच में जो काम करने के जो काम किया जाता है, उसकी जो दुनिया में जितनी भी दुनिया में जो भी ऐसे ऐसे प्रकार के जो काम करते हैं, तो उन सारा खर्च मैं उसमें कर दूंगी। उसने फिर कहा द सिटी, उस शहर में द बिकेम माई डेस्टिनेशन, कि उसने कहा कि उस मंजिल को बना दूंगी। उसने फिर कहा कि शहर में मेरी एक मंजिल बन जाती है, इस प्रकार उसने फिर कहा कि जो शहर होता है उस शहर में मेरी अपनी मंजिल वो बन जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।